हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो बहुत सारे बच्चों ने आज मैंने देखा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप सब पे मैसेज कर रखे हैं कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप गाइड करिए कि एक दिन पहले एग्जामिनेशन के हमें क्या करना चाहिए और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना चाहिए, क्योंकि आज देखिए 28 है और कल 1 तारीख है और परसों आपका पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन में स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके ऊपर मत लीजिए, क्योंकि मैं कह सकते हैं जल्दबाजी में ये वीडियो मैंने बनाया है इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं रखूँगा, जैसा कि डिमांड आया है ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो पर्सनली कनेक्टेड हैं और पर्सनली मैसेज किए हैं कि सर आपका गाइडेंस रिक्वायर्ड है। तो देखिए, मैं ऑलमोस्ट जितनी बातें कहूँगा वो 500 से ऊपर स्टूडेंट्स पे मैंने ऑलरेडी चेक करके देखा है और मैंने बहुत अच्छा आउटपुट पाया है इस रिगार्डिंग। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एक एक पॉइंट आप नोट करिए। सबसे पहले तो आप नया नोट्स कोई भी नहीं देखेंगे एक दिन के पहले, याद रखिएगा। दूसरा, डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग न्यू, रेदर फोकस ऑन ऑलरेडी प्रिपेयर वन। मुझे मैंने जितना अभी तक याद किया ना, मैं उस पर कॉन्फिडेंट होके उस, क्योंकि हम जब याद करते हैं या जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्क कर लेते हैं कि हम इसे एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ के जाएंगे, लेकिन हम फिर जब एग्ज़ाम से पहले या तो किसी दोस्त के द्वारा या किसी बंदे या कोई भी वो हमसे बोल देता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है या ये नया है और वो हम ऑलरेडी पढ़े नहीं होते, तो हमारा पूरा माइंड उधर फोकस हो जाता है। यानी जो हमने टारगेट बनाया था स्पेसिफिक कि हमें एग्ज़ाम से पहले एक्चुअली कौन सा याद करके जाना था, वो हम भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, नया कुछ भी नहीं याद करके जाना है, जो आपने पहले बना रखा है नोट्स उसी को रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट, अपने फैमिली मेंबर से गैप नहीं बनाएंगे, उनसे बातें करिए ताकि आपका जो स्ट्रेस हो वो रिलीज हो जाए। देखिए, कहीं भी फैमिली मेंबर से बच्चे कतराते हैं इस समय, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली कोई भी जो आपका अपना होगा, इसमें बुरा मानने वाली भी चीज़ नहीं है, जो भी आपका अपना सगा होगा वो हमेशा यही बोलेगा कि बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है। उनसे भागिए मत, उनसे बातें करिए, ठीक है, और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार मोटिवेशन ऐसा काम कर जाता है एग्जामिनेशन में जो कि आपका नॉलेज काम नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, आप एक दिन पहले बहुत ही लाइट डिनर करेंगे, याद रखिएगा बहुत ही लाइट डिनर करना है। दूसरा, आपको नाइट में पढ़ाई बिल्कुल, ये नहीं कि हम पूरी रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो एग्जामिनेशन का पहले का रात है, जैसे कि कल का जो रात होगा, वो बहुत ही रिलैक्स मोड में, जो आपने प्रिपेयर कर दिया मोर देन अनफ है, अपने ऊपर भरोसा करिए। मैं गारंटी ले सकता हूँ जो 100 में 100 भी पाता है वो भी एग्जाम के 1 घंटे पहले तक यही सोचता है कि मेरा बहुत चीज छूटा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड्स कि आपका उस समय मेंटल कैसा, आप उस समय सोचते हो या आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है, आप रिस्पॉन्ड कैसा करते हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टेंशन में, याद देखिए क्वेश्चन पेपर बहुत इजी मिल जाता है तो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो भी गलत है। अपने आप को बैलेंस करिए, टफ आ जाता है तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा, और टफ का मतलब कोई 2-3 क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 26-27 क्वेश्चंस है, उसके कंपैरिजन में अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है तो हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ही माइंड में याद रखना है, सबके पास 24 घंटे हैं। नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम की बात करें तो देखिए क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। लाइट ब्रेकफास्ट करके जाना है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें चेक करना है। मैंने बहुत बार, क्योंकि मैं भी पर्सनली सेंटर को विजिट करता हूँ, मैंने नोटिस किया है बच्चे एडमिट कार्ड भूल गए, ज्योमेट्री बॉक्स भूल गए, जो कि याद रखिएगा वहाँ जाके हम कई बार ऐसे भी बच्चे सोचते हैं पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ फिर अगल बगल कोई स्टेशनरी शॉप पर खरीदूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आप जितना क्लोज रहते हो ना एग्जाम सेंटर के, या जितना क्लोज रहते हो आप वो 10 o'clock के, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, इसीलिए आप एक रात पहले ही सारी चीज़ें लेके चेकलिस्ट बना लीजिए और उसको रखिए। दूसरा, अपने एग्जामिनेशन के लिए हमेशा, आजकल GPS चला हुआ है तो GPS में देखिए वो
जाम बेशक दिखाता हो बट वो एक्सीडेंटल चीजें नहीं दिखाता है, जैसे कोई रैली निकल गई हो या कोई ऐसे ही कोई ट्रक खराब हो गया हो, ऐसी चीजें प्री डिटरमाइन नहीं होती हैं। तो आप पहले से कम 15-20 मिनट का मार्जिन लेके जाएंगे। नेक्स्ट चीज, आप टॉयलेट जरूर करके जाइए एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले, क्योंकि अगर मान लीजिए बाय चांस, वैसे तो कोई रोकेगा नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं सीबीएसई में कि आपको टॉयलेट जाने से रोकेगा, बट टॉयलेट जाने के पहले और बाद दोनों बार आपका 5 मिनट एटलीस्ट वेस्ट होगा इन दी चेकिंग। वो चेकिंग करेंगे आपकी सारी चीजें, प्लस आप वहां तक जाओगे चूंकि नया स्कूल है, नया सेंटर है, आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो पहले से टॉयलेट करके जाइए। नेक्स्ट, अपना एक ब्रेथ मैनेज करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है, ठीक है, प्रेयर करिए जिस भी भगवान को। अच्छा, ये नहीं कि आप भगवान का नाम या जो भी है किसी भी, नो रिलीजन देखिए पढ़ाई में नहीं आता है, मतलब जो भी चीजें हैं आप कोई भी रिलीजन रिलेटेड कोई चीज एग्जामिनेशन पेपर पे नहीं लिखेंगे एटलीस्ट, ठीक है, माइंड में सोचिए एग्जाम से पहले। अच्छा, क्या क्या आपको नहीं करना है, वो पहली चीज। ब्रेकफास्ट कई बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं जल्दी में, याद रखिएगा अगर ब्रेकफास्ट आपने नहीं किया, आपका कम से कम 1.5 घंटे के अंदर ही, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाई लेवल का स्ट्रेस होता है कि आपका सर दर्द शुरू कर लेगा, क्योंकि गैस बन जाता है, मेडिकली मैं बता रहा हूँ, गैस बन जाता है, ठीक है, और सर दर्द शुरू हो जाएगा और आप फिर परेशान हो जाओगे। नेक्स्ट, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लिखिए, आप अपने आप से बोलिए कि मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, ये नहीं कि अरे यार मैं फेल हो जाऊंगा, या किसी ऐसे बच्चे के पास गेट पर, जब एंट्रेंस गेट पे मैंने देखा है कई बार नेगेटिव बच्चे आपके अगल बगल घूमते रहेंगे, जो आपसे कहेंगे अरे आपने वो वाला क्वेश्चन पढ़ा क्या, अरे आपने ये वाला चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था। याद रखिए वो सब पागल होते हैं, उनकी बातों को मत ध्यान करिए, उनको कह दीजिए हाँ हाँ आपने पढ़ा है, हम रिजल्ट के बाद देखेंगे, ठीक है। और एग्जाम से पहले जब आप गेट पर, मैंने देखा है एंट्री से पहले भी कुछ लोग बुक से रिवाइज करते रहते हैं, बिल्कुल वो बंद करना है बिल्कुल, क्योंकि जो चीज आप एग्जाम से पहले या एंट्री करते समय रिवाइज करोगे वो कम से कम 1 घंटे माइंड में घूमता रहेगा। फिर कई बातें ऐसी, कई चीजें होती जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा है, वो कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ बातें जबान पे रहती बट निकलती नहीं, वही चीज एग्जामिनेशन हॉल में हो जाता है। कभी भी नई चीज या कोई भी चीज रिवाइज मत करिए, बहुत रिलैक्स रहना है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन हॉल की अगर बात करूं, इंस्ट्रक्शन आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, कोई भी डाउट हो इंस्ट्रक्टर, टीचर या इन्विजिलेटर से बात करिए। नेक्स्ट, अपने टाइम को मैनेज करिए, उसको ऑलरेडी प्लान करके रखिए कि हम कितना टाइम किस सेक्शन को देंगे। जैसे इंग्लिश है आपका परसों, उसमें आपको मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था, आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको ए बी या सी में कौन सा सेक्शन चाहिए, पहले आपको करना होगा। जैसे ए है, कई बार ए में डर लगता है रीडिंग सेक्शन में, बट इट्स बेटर है कि आप सी और बी निपटा के फिर ए पे आए, या जो 15 मिनट आपका टाइम मिलता है उसमें आप ए के मेजर क्वेश्चंस लगा सकते हो। उसका तरीका या शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले क्वेश्चन, पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि जब आप पैसेज पढ़ें तो आपको याद रहे कि एक्चुअली हम इस पैसेज में क्या खोज रहे हैं, ठीक है, या हमें क्या आंसर देना है। नेक्स्ट, अपना जो नोन क्वेश्चन है, जो भी चॉइसेस हैं, ये नहीं लाइन बाय लाइन करें, सबसे पहले अपना बेस्ट जो भी नोन आपको आता हो, सबसे बेस्ट वो आप उसको रखिए और उसको टिक करिए और उसको लेके पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन पे श्योर नहीं हो, तो आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए बाय चांस आप पीछे आके उसको फिल भी करते हैं, जगह बच जाता है, जस्ट स्ट्राइक आउट कर दीजिए, ठीक है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, ओवर राइटिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ ओवर राइटिंग नहीं करना है। कल भी मैंने आपको एक सैम्पल कॉपी दिखाई थी, ओवर राइटिंग करने पर तुरंत सर्किल करते हैं एग्जामिनर, इवन हम भी जहाँ भी देखते हैं ओवर राइटिंग हम वहीं सर्किल आउट कर देते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, देखिए अगर मुझे एक पेज चेक करना है,
ठीक है, सब चीज सही है। और मुझे ये भी प्रूफ करना है कि मैंने हर चीज पढ़ा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रेड पेन से उसको टिक करता चला जाऊंगा और थोड़ा बहुत गलतियां अंडरलाइन दिखाता चला जाऊंगा। आप भी प्री बोर्ड दियो, आप भी हाफ ईयरली दियो, आपने ये चीजें नोटिस की होगी जब कॉपी मिलती होगी तो। और अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई हो, बहुत हल्के से उसे पेंसिल से या पेन से, ये नहीं पूरा उसे रंग रहे ताकि पेज में सबसे पहले ही वही दिखाई दे रहा हो, ठीक है। दूसरी चीज, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं रखना है, वो तो मैंने कल ही बता दिया था, ये आज वीडियोस स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए है। दूसरा, कल भी मैंने बताया था, ट्राई करिए 15 मिनट या हाफ एन आवर पहले क्वेश्चन पूरा कर ले पेपर, ताकि रिवीजन के लिए टाइम मिले। और अंडरलाइन करिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हाईलाइट करिए जो भी आपका कीवर्ड्स दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए बाई चांस आपको पेपर मिले और आप घबरा गए या स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए खुद को। सबसे पहले तो एक बहुत लॉन्ग डीप ब्रेथ लीजिए, ठीक है, और उसे निकालिए और अपने आप को रिली अपने अब टेंशन को ना रिलीज करने की कोशिश करिए। ऐसा सोचिए कि मेरा जो ये ब्रीथ बाहर निकल रहा है, इससे हमारे टेंशन भी निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अपना जो हाथ है फीट है वो 5 सेकंड के लिए टाइटन कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद रिलीज करिए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, कुछ पीसफुल या रिलैक्सिंग लाइट, या मतलब चारों तरफ देखिए, थोड़ी देर रुक के, कहने का मतलब चारों तरफ देखिए। कई बार हम देखते हैं कि एक आध दो क्वेश्चन जो टेढ़ा मिल जाता है या बहुत ज़्यादा अजीब सा मिल जाता है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो एक क्वेश्चन है, आपको और भी 26 क्वेश्चन लगाने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। माइंड मेकअप उसी हिसाब से रखिए। नेक्स्ट, अगर हम कैसे आंसर अच्छा लिखें, ठीक है, अपना बेस्ट कैसे दें, तो पहला पॉइंट स्पीड और एक्यूरेसी आपको रखना है, क्योंकि वही ऐसी चीज है, नॉलेज अपनी जगह है, स्पीड एक्यूरेसी अपनी जगह है, ठीक है। बहुत बच्चे नॉलेजबल होते हैं, बट पे वो बाहर जब निकलते हैं तो उनका उन्हें पता चलता है कि अरे मैंने जल्दबाजी में 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, जो कि गलत है, ठीक है। स्पीड रखिए और एक्यूरेसी रखिए। दूसरा, जब भी आंसर करने से पहले कुछ समय अपने माइंड को दीजिए कि मैं क्या फॉर्म करने जा रहा हूँ और क्या लिखने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। दूसरा, जो भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसकी नंबरिंग गलत नहीं है। मान लीजिए सेक्शन बी का सेकंड का डी पार्ट है, तो क्लियरली लिखना है कि सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 एंड ब्रैकेट में डी, याद रखिएगा ये चीज़। कई बार एग्जामिनर पिस्ड ऑफ हो जाता है जब उसे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कि ये किस क्वेश्चन का आंसर आपने दे रखा है, ठीक है। और दूसरा, आप अपने आंसर को, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कि आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग में लिखेंगे, पूरा बुकिस जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम बुकिस रिमेम्बर करने आते हैं तो टाइम भी कंज्यूम करता है और कहीं ना कहीं हमारा गलती होने के चांसेस या भूल जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, जो कोड वर्ड है उसे आपको याद रखना है, जो एग्जामिनर यूज़ करता है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका जो आंसर की होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे ही पॉइंट होते हैं जिसे कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। ट्राई करिए उन कीवर्ड को अपने आंसर्स में लिखने का। जब आप एंडिंग में पहुंचेंगे एग्जामिनेशन के, यानी कि जब आप ओवर करने वाले होंगे एग्जामिनेशन के, तो याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिए कि कोई भी चीज आपने ब्लैंक नहीं छोड़ी हो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आप फिर तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उसमें आधा नंबर का क्वार्टर भी मिल जाए, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी करिए उस चैप्टर से रिलेटेड रखिए, लेकिन लिखिए जरूर। दूसरा, जब आप आंसर शीट क्रॉस चेक करें, तो उसमें अपना नाम जरूर चेक कर दें एंडिंग में, ठीक है। और 5 से 10 मिनट आप लीजिए आंसर को एक बार जस्ट रीड आउट करने के लिए, कि कहीं कोई पार्ट तो नहीं मिस हो गया। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, लेट सपोज कि वाई दिस एंड हाउ, तो आपने वाई का आंसर दिया, हाउ का आंसर नहीं दिया, वो गलत है आपका, वो सीधा सीधा 1 मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू नंबर चेक करिए कि हमने सारे पार्ट का आंसर दिया है या नहीं दिया है। नेक्स्ट, आप कभी भी दूसरे बच्चों से बात करने में इंगेज मत होइए, क्योंकि जब आप दूसरे बच्चों से बात करने लगते हैं कि अरे यार मैंने ये लिखा इसमें मैंने, तो देखिए
वो सिर्फ उस पॉइंट में आप जीत या हार नहीं रहे हो, आप पूरे अगले भी पेपर में, क्योंकि अगला पेपर 2 दिन बाद फिजिक्स है, पूरा पेपर आपका पूरा माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आपने लिख लिया वो बेस्ट है, ठीक है ना, बुक देखना है घर जाके, ना किसी बच्चे से डिस्कस करना है। देखिए रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होता है, कई बार मैंने नोटिस किया जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में कहते हैं मैंने बहुत बुरा किया उसमें बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, और जिसमें वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा किया उसमें गंदे नंबर आ जाते हैं। और इस पे मैं आपका भी कमेंट चाहूंगा, आप सीनियर से बात किए होगे, देखिए कई बार आपको भी लगता होगा, आप भी प्री बोर्ड दिए, तो इसको नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो पेपर आपने बहुत अच्छा कर गया उसी में कम नंबर होते हैं, और जो आपने ऐसे ही एवरेज किया उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं, ऐसा बहुत चीजें देखी गई है बोर्ड में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी आपने देकर क्वेश्चन लिख दिया वो लिख दिया, डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है, दोबारा आप एंट्री करके दोबारा आपको कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। माइंड मोटिवेटेड रखिए, जो आपने लिखा है बेस्ट लिखा है, जो भी आपके साथ हुआ है बेस्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए इतना आज के लिए बहुत है, एंड आई होप आप जिन्होंने भी पर्सनली, देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन दिए ऑलमोस्ट सबको पता है, बहुत सारी वीडियोस इस समय अवेलेबल है, लेकिन मैंने पर्सनली टाइम इसलिए निकाला क्योंकि देखिए मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो पर्सनली अगर कह रहे हैं कि सर एक लास्ट डे का प्लीज़ कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी दीजिए, तो मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट जहाँ भी पॉसिबल सोर्सेज है वहाँ से मैक्सिमम पॉइंट्स लेके आप तक पहुंचाने का। तो आई होप ये हेल्पफुल होगा। तो दो चीज मैं चाहूंगा नीचे कमेंट में, पहला जो मैंने अभी एक क्वेश्चन बीच में पूछा, दूसरा अगर ये सीरीज या मैं मेरी जो भी चीज़ें हैं वो अगर हेल्पफुल है तो क्या आप शेयर करोगे व्हाट्सएप पे, क्योंकि देखिए मेरा जो टारगेट है वो इस सेशन में, बीच में मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, आपने नोटिस भी किया होगा, रीज़न क्या है, मैं रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक फैकल्टी हूँ, और ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि चलिए जो भी हमारे अच्छे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया हमारे चैनल से, बट चूंकि वो कम नंबर में थे, ठीक है, और मैं बहुत फालतू कोई कंटेंट डालता नहीं हूँ, अनरिलीवेंट चीज़ें डालता नहीं हूँ, बट इस साल मैंने ये सोचा है कि एटलीस्ट 50 के सब्सक्राइबर तो होने ही होने चाहिए। तो आई होप, अभी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि आप अभी करिए, एक बार पेपर हो जाए अगर आपको लगे कि यस चीज़ें रेलिवेंट हैं आपको हेल्पफुल है तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल का जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं बच्चों को कि वो रेफर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।